हमें लेना है यहाँ बॉयल एग और उसे हमें बहुत प्यार से छील लेना है, एकदम ऐसे। बटर में हमें अनियन को फ्राई करना है, सौते करना है एकदम आराम से, ये मेरे स्टाइल में। कर लिए फ्राई। अब उसके बाद हमें पत्ते वाली गार्लिक लेनी है, ठीक है ना, ज़्यादा लेना है, करीबन आधा कटोरी। अब यहाँ पर हम इसे भी अपने स्टाइल में फिर से फ्राई कर लेंगे। अब जैसे ये सौते हो जाए, काफ़ी ज़्यादा सौते हो जाए, हम इसमें डालेंगे टर्मरिक, कोरिएंडर और 5 स्पाइसेस और ग्रीन चिली पेस्ट। उसके बाद फिर से इसको चलाना है और चलाते चलाते और सौते करना है। डालेंगे नमक और उसके बाद पानी, पानी यहाँ हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और धीरे धीरे हमें इसको करना है सौते और एकदम प्यार से, है ना। आप चाहो तो आलू मैसर से इसे और भी ज़्यादा इसे बारीक कर सकते हो। कोरिएंडर डाला अपने स्टाइल में। अब यहाँ पे हमें एक अंडे को कर लेना है ग्रेट। मैं यहाँ पे 3 अंडे लिया हूँ, एक अंडे को मैंने ग्रेटर से किया है, फाइन ग्रेटर से, और बाकी अंडे को मैंने हल्का हल्का चॉप कर लिया है चाकू से और फिर इसके अंदर डाला हूँ, क्योंकि बना रहा हूँ आलू घोटाला ना। ये देखो है ना मज़ेदार, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत प्यारा स्मेल आता, मज़ा आ गया, बहुत प्यारा खुश, मन तो कर रहा अभी खा जाऊँ। फिर से पानी डालेंगे और इसको करेंगे यहाँ पर सॉफ्ट, और आप देख रहे हो कितना मज़ेदार मसाला तैयार हो रहा है ना, मज़ेदार, ये है ना अपना स्टाइल में। अब चलो यहाँ पे हम एक पोच बनाएंगे, ये है ना, ये देखो, अंडे को डाला डायरेक्ट, नमक डाला, थोड़ा सा डाला उसमें लाल मिर्च और इसको हल्का हल्का कर लिया हमने, इसको देखो हाफ ही फ्राई करना है ऐसे, और फिर इसको डालना है इसके अंदर, क्योंकि हम बना रहे हैं अंडा घोटाला। भैया अंडा घोटाला का मतलब ही होता है कि तरह तरह के अंडे को डाल करके उसको घोटाला कर देना उसमें गड़बड़ी नहीं होता है इसका मतलब मिला देना है। इससे मिलाने से जो अंडे की अलग अलग फ्लेवर आती है वो इतनी प्यारी, इतनी मज़ेदार होती है, आह खाने में मज़ा आ जाता है। तो अब हम इसे मिलाते हैं सारे को, और मिलाने के बाद ये हमारा हो गया है। अब हम इसे करेंगे इसको सर्व अपने स्टाइल में। कर रहे हो सर्व, ये रहा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि मैं अलग से एक पोच और तैयार करा हूँ जो इसके ऊपर डाल दिया हूँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार लगता है, और सर्विंग के लिए मैंने इसके ऊपर से डाल दिया कोरिएंडर। यार कितना टेस्टी, मन कर रहा है, चलो मैं तो खा रहा हूँ, आप लोग देखो। या चलो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।